शक्ल से आपका एटीट्यूड पता लगता है कि आप ब्रह्मचर्य करने लग गए हैं और ये 100% होने वाले आपके साथ, लिख कर लेना मेरे भाइयों। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपको ये आकर्षण मिले, देन कमेंट करके बताएं कि मैं 90 दिन का चैलेंज लेता हूँ और ये आपके लिए फायदेमंद चैलेंज है मेरे भाइयों। हरे कृष्ण। हमारी एक सीरीज खत्म हो चुकी है जिसमें हमने बताया कि सालों तक ब्रह्मचर्य कैसे किया जाता है। दोस्तों अगर आपने वो सीरीज नहीं देखी है और कोई भी वीडियो नहीं देखी है तो दोस्तों उसको जरूर देखें, 100% आपको फायदे मिलने वाले हैं। और आज से अगेन एक और सीरीज शुरू हो रही है हमारी, जिस सीरीज का नाम है ब्रह्मचर्य के आकर्षण। ब्रह्मचर्य करने से क्या क्या आकर्षण आपकी लाइफ में आते हैं। इस दुनिया में हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसकी लाइफ में आकर्षण आए, और इस सीरीज का एपिसोड नंबर 1 आज है। और इस सीरीज में होने वाले हैं लगभग 30 एपिसोड्स। लगातार 30 एपिसोड में आपको पता लगेगा कि क्या क्या आकर्षण आपकी लाइफ में ब्रह्मचर्य करने से आते हैं, और इन आकर्षणों को पाने के लिए आपको क्या क्या कार्य करने पड़ते हैं, वो सब आपको पता लगने वाला है दोस्तों। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करूंगा। आज आपको एक बहुत पावरफुल आकर्षण बताता हूँ अगर आप लगातार 90 दिन तक ब्रह्मचर्य करते हैं। दोस्तों आपने एक बात सुनी होगी कि अगर कोई व्यक्ति लगातार 90 दिन तक ब्रह्मचर्य कर ले, वीर को नष्ट ना करे, तो उसका पूरा शरीर रिबूट करना शुरू कर देता है। रिबूट मतलब फिर से अच्छा बनने लगता है और फिर से वैसा ही बनने लगता है जैसा ब्रह्मचर्य नाश करने से पहले था। कुछ हद तक बन जाता है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि पूरा ही बन जाता है, लेकिन कुछ हद तक अच्छा बनने लगता है। तो आज एक बहुत पावरफुल आकर्षण बताता हूँ मैं आपको, जो कि आपको 90 दिन बाद मिलने वाला है दोस्तों, और 100% मिलेगा दोस्तों, बल्कि 90 दिन से पहले भी मिल सकता है, लेकिन 90 दिन के बाद 100% आप में ये आकर्षण 100% आने वाला है। और जो कि कहता है कि आप स्मार्ट बन जाते हैं। स्मार्ट का अर्थ बस शक्ल से स्मार्ट नहीं, बल्कि दिमाग से भी स्मार्ट और पूरी पर्सनैलिटी से स्मार्ट, तेज बन जाते हैं। आप हर सिचुएशन को झेलने की क्षमता आप में आ जाती है दोस्तों। आप कॉन्फिडेंट बन जाते हैं, और अट्रैक्शन की सबसे बड़ी चाबी है, की ऑफ अट्रैक्शन इज कॉन्फिडेंस। लोग आपकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं आप जब कॉन्फिडेंट फील करते हैं और बहुत स्मार्ट बन जाते हैं। शक्ल से आपका एटीट्यूड पता लगता है कि आप ब्रह्मचर्य करने लग गए हैं और ये 100% होने वाले आपके साथ, लिख कर लेना मेरे भाई। लेकिन जो व्यक्ति हस्तक्रिया करते हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है, वो लोग किसी से बात नहीं कर पाते हैं, डर के मारे आँख से आँख मिलाकर बात नहीं कर पाते हैं और अपनी बातें रख नहीं पाते हैं, उनको बात करना आता नहीं है, उनकी आवाज़ बहुत अजीब हो जाती है। इसके साथ साथ उनका शरीर डल पड़ जाता है, उनका चेहरा डल पड़ जाता है, उनके शरीर में झाइयाँ पड़ जाती हैं, उनके फेस में झाइयाँ पड़ जाती हैं। लोग उन्हें पसंद करने के बजाय उनसे दूर भागना पसंद करते हैं। एक बात है दोस्तों ब्रह्मचर्य के बारे में, जो कि आपने कभी सुनी हो या ना सुनी हो, आ सुन लो, कि जो व्यक्ति हस्तक्रिया करता है वो अगर किसी ग्रुप में जाता है अपने दोस्तों के साथ या कुछ रिश्तेदारों के साथ या कहीं पर जाता है, और जो हस्तक्रिया करता है वो वहाँ का माहौल दुखनुमा कर देता है, दुखी कर देता है, क्योंकि उसके शरीर में वो एनर्जी नहीं रहती है, उसके बात करने में वो एनर्जी नहीं रहती है, वो हमेशा दुखी टाइप रहता है और वहाँ का माहौल भी दुखी कर देता है। लेकिन जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य करता है और लगातार 90 दिन तक करता है, वो व्यक्ति वहाँ के माहौल को खुशनुमा कर देता है और हर एक व्यक्ति उस इंसान से बातें करना चाहता है। 90 दिन बाद आप में आने वाली है स्मार्टनेस। बातें करने में भी आप स्मार्ट बन जाएंगे, किसी व्यक्ति को आंसर करने में भी आप बहुत पावरफुल तरीके से आंसर कर सकते हैं। कहीं पर डिबेट चल रही है या कहीं पर कोई डिस्कशन चल रहा है, कोई बहस चल रही है, तो आप उस बहस को जीतने में बढ़िया संजय जीत सकते हैं। ये बहुत पावरफुल आकर्षण है दोस्तों ब्रह्मचर्य का। लेकिन हस्तक्रिया करने वाले बोल नहीं पाते, रख नहीं पाते अपनी बातें, डर जाते हैं और गुस्से में आ जाते हैं जल्दी। जो व्यक्ति गुस्सा करेगा बहुत ज़्यादा, वो व्यक्ति बोल ही नहीं पाएगा, उसकी बातों को कोई सीरियस नहीं लेगा, तो वो स्मार्ट बनने के बजाय बुद्धू बन जाता है। 90 दिन तक अगर आप चाहते हैं कि ब्रह्मचर्य कर पाएं तो दोस्तों जरूर करें दोस्तों, और इस बीच में आपको दिल से ब्रह्मचर्य करना है, किसी भी तरह की अश्लीलता के पीछे नहीं भागना है। दिल से करने का मतलब है कि केवल वीर रक्षा ही नहीं करनी है आपको, वीर रोकने के साथ साथ आपको लाइफ में भी बहुत अच्छे से कार्य करना है, आपको अच्छी प्रैक्टिस करनी है दोस्तों। करियर बनाने के लिए लगे रहो, टाइम वेस्ट तो बहुत कर दिया है, लेकिन अब आपका समय है कि आपको ब्रह्मचारी बनना है, ताकि हर एक व्यक्ति आपको पसंद करे यार इस दुनिया में। और इस दुनिया में हर एक इंसान चाहता है कि लोग उसकी तरफ अट्रैक्टिव हो, लोग उसकी तरफ आकर्षित हो, और जब आप स्मार्ट बनेंगे तो इस दुनिया की हर एक लड़की, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त और आपके पड़ोसी, सब लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले आपको दिल से ब्रह्मचर्य करना ही पड़ेगा मेरे भाई, लिख के लेना कि ये आकर्षण आपकी लाइफ में आने वाला है। तो ये था आज का पहला एपिसोड, और अगर आप भी चाहते हैं कि आपको ये आकर्षण मिले, देन कमेंट करके बताएं कि मैं 90 दिन का चैलेंज लेता हूँ और ये आपके लिए फायदेमंद चैलेंज है मेरे भाई, 100% करके रहोगे। लेकिन कमेंट में बताएं
और अगले 90 दिन तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने नहीं किया, ताकि आप में एक मोटिवेशन बने रहे। और ये एक तरह का चैलेंज है आपको, अगर आप 90 दिन तक कर लेते हैं देन आप खुद को थैंक्स बोलेंगे उसके बाद। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो से कुछ समझ में आता है, अच्छी लगती है 1% भी, देन लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखा सकते हैं आप। हरे कृष्ण।